हैंड बैग में क्यों नहीं ले जा रहे हो हर्षित सेठी? दिस इज हर्षित का बैग, ये मेरा है। 7 माइनस करेंगे 15 की तो हो ही लगता। हर्षित सेठी का मैंने गोप्रो पकड़ा दी, ही इज गोइंग टू व्लॉग। हमने अभी 100 रुपए की बॉटल ली है। कौन कहता है इंडिया सस्ता है? अब हम खा रहे हैं चिकन सैंडविच एंड वाइट चॉकलेट रैप। मुझे पहली बार अच्छा लगा कि एज अ कपल ट्रैवल करके मुझे एक स्टेबल कंधा मिला सोने के लिए। इतनी कराची बेकरी की मैंने पार्सल लेके गई हूँ। हम गोवा ले जा सकते हैं, बेहाल हमें कैब ही नहीं मिल रही है यार। We are officially in Goa. सर इधर 50 देना पड़ेगा। All right. We are officially in Goa. Yeah. For the first time. हर्षित का actually first time है, इसलिए मैं उसे इतनी गर्मी में भी गोवा ले आई थी। तो मैंने मेरा कितना टाइम है यार? मौसम बढ़िया है। Guess my third. Fifth. लखनऊ एयरपोर्ट से तो बड़ा है। मैंने एयरपोर्ट में ऐसे कोको शेक ले लिया, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ केरला। How is it? I told you. जगह अच्छी है। तो मेन चीज दिखाते हो। देखो काफी बढ़िया लगा मेरे को ये सेटिंग है। हाँ सीलिंग। It's really pretty. ये देखो ये हमारा क्लोजेट है, ओपन क्लोजेट टाइप। देन वी हैव दिस। ओपन। यस, ये तो बहुत ही अच्छा है। आई नो हर्षित सेठी की जिम्मेदारी थी नॉर्थ गोवा का होटल बुक करना, जो वो भूल गया। मैं कर रहा था, फिर तुमने कर रखा था ऑलरेडी। तुम यहाँ आने से 2 दिन पहले करने बैठे थे। थैंक गॉड मैंने संडे बुक कर दिया था, वरना हमें ये जगह भी नहीं मिलती। So do not listen to him. Ta-da! Yes, we clean up good. Let's go. Let's go क्या मैंने मेकअप नहीं किया, बट हमने स्कूटी बुक कर लिया है, जो मुझे लग रहा है कि काफी महंगी मिली है हमें। बहुत महंगी मिल गया है। हाँ, 400 फॉर अ डे। या कन्वीनियंट ऑप्शन था ना कि वो होटल में ही खड़ी थी। लुक नाइस। I always do. But I look better. Of course. Thank you. ये सब तुम्हारा है हर्षित, और कोई ये होटल कॉम्प्लीमेंट ही तो देगा नहीं। वाह यार, मजा आ रहा है तुम्हें देख के। आ मैं तुम्हें मेकअप करके चलूं। नहीं मैं सोच रही हूं, आई एम शॉक। आफ्टर सन भी है मेरे को। गंदा लग रहा है, कुछ धोने लायक लग रहा है? धो। अच्छा क्या होता है सनस्क्रीन में, ये बताओ। यार ये अच्छी है, आई लाइक इट। मजाक समझ रखा है। मेरा सूटकेस हर्षित खोलना। रखो। मेरा सूटकेस तो खोलो। बड़ा तो पड़ा है पूरा। So I'm ready. Wearing these really small hoops and this pendant by an Instagram store. I think it's called niche.up. The top is from Fashion Nova. Shorts are from Forever 21. मैंने अपनी फ्रेंड से बोरो किया है। The bag is from Sarojini and चप्पल्स I don't remember. And मैंने एक ही nail पे paint लगाया, पता नहीं क्यों, मैं भूल गई। And I'm gonna leave it like this because time नहीं है. Okay, bye. Hello. क्या हम चल सकते हैं? हाँ जी. तो फिर चलिए. Let's go. Let's move. वो हमें blue scooty मिली है. Wow, very vibrant. Helmet बहुत बुरा है. Blue scooty and red helmet. इतना प्रॉम्प्ट। हाँ और इसमें तुम्हारे जूते नहीं, तुम्हारे जूते पहन। ये वाइट वाला, ये वाला। हाँ, और ये जो पीछे ये है ड्रेस 850। लाइट समझ नहीं आ रहा है, पकड़ना हर्षित। उसमें रेड भी है। नहीं नहीं रेड रहने दीजिए, नहीं ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। हर्षित ये ट्राई करो। मेरे पे नहीं अच्छा लगता। ट्राई करो, ट्राई करो, दिखाओ। अच्छा लग रहा है हर्षित, अच्छे लग रहे हैं। तो पुलिस कहाँ रहती है? हेलो कूल। पूछना क्या पूछना है? ये हेलमेट की ये पुलिस कहाँ रहती है? बेबी We are at the beach. Hey, kaun sa beach hai? Anjuna Beach है. बहुत भीड़ है भाई. हम अभी sports, water sports के prices पता कर रहे हैं कल के लिए. आज तो नहीं कर रहे हैं. कल आएंगे यहाँ पे. कल आएंगे. I made a subscriber! By the way, she also has a YouTube channel. Bang. भैया, पानी तो बहुत बढ़ गया. Okay, हमने finally decide किया है कि we are going to Purple Martini. तो हम जिस बीच से आए थे, हमें वहीं वापस जाना है. दिखा रहे हो तुम मुझे. This is our garden view. Good morning. Good morning, Goa. अरे ये तो बताओ तुम्हारा first day गोवा में कैसा रहा हर्षित? Do you like Goa? Yeah, I love it. You love it? अच्छी जगह है, काफी अच्छी vibe है गोवा की. That's because I took you to the best places. Purple Martini. तुम्हारे साथ एक अच्छा tour guide है. इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है. मैं घुल नहीं रहा हूँ गेट खोलो. They have idli and coconut chutney. I am sorted Harshit. Chole bhature. तुम्हें तुम्हारा North Indian खाना मिल जाएगा, मुझे अपना South Indian idli, coconut chutney और सांभर मिल जाएगा. I'm really happy. काफी अच्छा बनाया मैंने ये तो. नॉर्मल दूध पीने के बाद. पानी मुँह आते ही बढ़िया है. हम हर बार जाते हैं वहाँ पे. Good. फाइनली पूरा दिन रेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट हमें भूख लगी है तो हम बाहर जा रहे हैं. ये आउटफिट मैंने कल के लिए बचा के रखी थी एंड रात के लिए बचा के रखी थी, बट जो मुझे आज पहनना था वो फॉर सम रीज़न हैज़ बीन बुक्ड फॉर टुमारो. दिस इज एक्चुअली अ कॉर्ड सेट और मैंने तो उसकी स्कर्ट डाली है और हर्षित सेठी ऐसे चल रहा है. इट्स टू हॉट. हम कहाँ जा रहे हैं लंच करने? नहीं थलासा ही तो जा रहे हैं. तुमने बोला था थलासा चलते हैं. हम वहाँ जा रहे थे ना, क्या नाम था, बाबा ब्लैक शीप. हम पहुँच गए. यहाँ तो 45 मिनट्स वेटिंग है. आई एम नॉट श्योर अब इतना रुकेंगे. हमें फाइनली जगह मिल गई है. लगे, जितना टाइम लगा वेटिंग में उतना ही इट वॉज वर्थ इट, है ना। अनएक्सपेक्टेडली जल्दी जगह मिल गई है, थैंक्स टू हर्षित सेठी, ही वांटेड मी टू अप्रिशिएट हिम, दैट्स इट। बट द पिज़्ज़ा डूड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा था, बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा। गॉड, ये डियर जिंदगी वाली रोड है एंड जस्ट लुक एट द क्राउड हियर। ये भैया यहाँ पे फोटो से क्लिक कराने वाले हैं एंड आई एम नॉट जजिंग हिम बिकॉज हम भी वही करना है। डूड, हम कौन सा स्पॉट लेंगे हर्षित? मैं तो ये सोच रहा हूँ मूवी में रोड थोड़ी चौड़ी नहीं लग रही थी? यही लगाओ, आगे तो और भीड़ है। हर्षित loves आलिया and I love शाहरुख, तो हमारा कॉमन स्पॉट होना चाहिए था ये डियर जिंदगी का शूटिंग स्पॉट, बट अब आके बिल्कुल इंटरेस्ट जा रहा है। आज मैं फोटो क्लिक करती। रोड अच्छी है, नो डाउट, इन्होंने रोड अच्छी है। रोड बनी है, लास्ट टाइम इतनी अच्छी सुंदर रोड नहीं थी, लाइक टूरिज्म बढ़ाने के लिए पेंट वेंट किया है बराबर। मैं सोच रहा हूं इंडिया में बॉलीवुड का कितना रोल है। थ्री इडियट्स पे था वो, तो वहाँ पे वो बम वाला स्पॉट बना हुआ है। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था मैं नॉर्थ गोवा की पता नहीं कौन से पार्ट में थी, और अब कोई और ही पार्ट चालू हो गया। सही में बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। जितने लोगों ने मुझे बोला है कि अप्रैल में गोवा जाके क्या करोगी, द वर्ल्ड इज हियर। बीच पे वाटर स्पोर्ट्स आर सोल्ड आउट, 2 घंटे की वेटिंग, हमें सिर्फ पैरासेलिंग करनी है, कोई राजी नहीं है। एंड बहुत महंगा भी है सिर्फ पैरासेलिंग एक्चुअली, बट पूरा पैकेज करने का हमारा मन नहीं है। निकालो एक बार बीच का चक्कर लगा लेते हैं। मुझसे और नहीं चला जा रहा, जितनी दूर नजर जा रही है मुझे एक स्पीड बोट दिख रही है, पैरासेलिंग होते हुए दिख रही है और लोग नहाते हुए दिख रहे हैं। मैं उनसे बोल देता और भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता, लेकिन अब करेगा नहीं वो, इसलिए बहुत भीड़ है। ऑलरेडी टाइम वाइन मारना पड़ेगा भैया। पढ़ तो लो क्या लिख रहे हो। हमें लगा तुम साथ में राइड करेंगे, पर तुमने मना कर दिया। हर्षित वेट कर करके थक चुके हैं। हमारी बोट आ गई, हमारा नंबर आने वाला है। कहना मत हर्षित। बहुत ही सही टाइम पे आए हैं, सनसेट के टाइम पे। हर्षित स्कैड, उससे अपनी वेस्ट पे भरोसा है कि गिरा तो डूबेगा नहीं। हर्षित की दौड़ है। बाय। ठीक है, ऊपर भी जाएगा। कैसी लगी ऊपर की हवा? बहुत बढ़िया। ट्रिप में मजा आया? हर्षित की राइड हो गई। मेरे टाइम पे इतनी हवा चल रही है, भैया ने वो बलून भी बंद कर लिया है। नॉर्मल नॉर्मल अर्जुन ने तो डिप भी करी थी। It was fun. हमने 2 दिन में 2 तरीके के नॉर्थ गोवा देख लिए। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं गोवा में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इलाहाबाद के किसी संगम वगैरह पे हूँ। अच्छा, सारा चिकन विकन एक साइड और पाइनएप्पल या फिर कच्चा आम नमक मार के। हाँ, सो कैलीवुड से आके हमने काफ़ी देर रेस्ट किया है, नहाया धोया है। एंड हर्षित सेठी ने एग्जैक्टली 1 घंटा लिया है टू पिक अप अ स्पॉट फॉर डिनर, जो अभी भी हमारे पास नहीं है। हम इवेंचुअली स्कूटी लेके बाहर एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। मैंने स्पॉट चूज कर लिया था, पर तुमने ही बोला था ना कि हम एक्सप्लोर करेंगे। नहीं किया मैंने तितली। अगर तुमने तितली तुम्हें किसी ने कमेंट में बताया था शट अप ऑप्शंस दिए ना, ये है वो पिज़्ज़ा वाला जो मैंने इटालियन देखा था, वो भी मैंने बोला था कि हम कल वहाँ डिनर। हम एक जगह पे घुसे तो हैं, बीमिया, इट्स रियली क्यूट एंड रोमांटिक बट अपैरेंटली इट्स वीगन, कंप्लीटली वीगन। चलो उठते हैं। बाय द वे दिस वाज आवर क्यूट सा कॉर्नर। बाय बोल रहे थे वीगन नहीं हो पाएगा, तो वीगन खाना अच्छा होता है, मैंने ट्राई किया हुआ है बट आई एम नॉट इन अ मूड। मुझे नहीं लगता आज मुझे खाना मिलेगा। एंड हर्षित आप कहाँ जाना है? मैं वेयर टू? तितलीज। मतलब लोग पार्टी करना चाहते हैं और हम नहीं करना चाहते, हम खाना खाना चाहते हैं। हम खाना खाना चाहते हैं और हमें अच्छी जगह नहीं मिल रही है जहाँ हमें खाना सर्व हो जाए विदाउट एनी कवर चार्ज। क्या गुनाह है ये? ऐसा हमारे साथ क्या हो गया कि हम पार्टी नहीं करना चाह रहे हैं? डिसेंट। हम पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। फाइनली हमें एक जगह मिल गई है जहाँ पे फ्लोर सीटिंग है। फ्लोर सीटिंग है, यस। लिटरली हम जमीन पे हैं बट इट्स नाइस, इट्स रियली गुड, इट्स डिफरेंट। और खाने में बहुत सारे ऑप्शन हैं व्हिच इज गुड। एंड यहाँ के क्राउड को देख के मुझे जेन्युइनली वही वाइब आ रही है कि इन लोगों को पार्टी नहीं करनी है, जेन्युइनली खाना खाना चाहते हैं हम बस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गोवा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ये चीज़ कि आप सैटरडे नाइट को पार्टी नहीं करना चाहते, आप ईस्टर वीकेंड पे सैटरडे नाइट को पार्टी नहीं करना चाहते, आपका आप दारू नहीं पीना चाहते। हाँ, ये डॉग फ्रेंडली स्पेस है डूड, यहाँ यू कैन सिट विद योर डॉग्स एज़ वेल। वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, एक और आ गया। मैं अपने डॉक्टर को भी ऐसी जगह में नहीं लाऊंगा। नॉट ईस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Rate your noodles out of 10. 8. So the wood oven pizzas from this place are very popular, but हमने lunch में pizza खाया था, तो we did not feel like having it again. The noodles were great, but I was craving tomato soup. And that was very disappointing. मतलब उसको पी के 2 सिप में I just wanted to leave the place. And already इतना थके हुए थे, so we went back to our place, but made a pit stop at this ice cream parlor. Finally, थोड़ी खुशी मिली है मुझे ice cream के साथ। लेसन लर्न्ड, कभी भी पब्लिक हॉलीडे में कपल्स को तो गोवा आना ही नहीं चाहिए, नॉर्थ गोवा स्पेशली। अच्छी जगह भी बुक हो जाती है। एंड हर्षित सेठी को कभी गिफ्ट नहीं मिलनी चाहिए। इन माय डिफेंस व्हाट, अगर मैंने चूज कर भी लिया होता कुछ जगह तो नहीं मिलती नहीं। ठीक है, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ चूजिंग? गलती तुम्हारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्लानिंग करना। तुम्हें पता होना चाहिए था कि आज सैटरडे नाइट पब्लिक हॉलीडे बहुत भीड़ होगी, तो हमको बुकिंग करा लेनी चाहिए डिनर की। 10 बजे तक नहीं टालना चाहिए। मैंने 9 बजे किया था, उसके बाद यू आर वेस्टिंग। और मेरा एक्चुअल प्लान था कि मैं उसे बागा बीच ले जाऊँगी यार, बट हम थक गए थे बहुत। बट ठीक है, सॉल्टेड कैरमल फॉर गुड। कुछ बोलना है तुम्हें? क्या टाइम हो रहा है? 6:42। Can't believe मैं 6 बजे उठी हूँ to do. That is not bad. अगर हम sunrise देखने के लिए उठे बट हम शूट के लिए उठे। हम इतना परेशान हो गए थे कि कोई स्ट्रेंजर्स हमारे अच्छे फोटोज नहीं ले रहे थे। So we booked a couple photography session with a photographer here at the beach. मुझे और सोना है but it's okay. We are doing this outfit entirely from Vintra. ये मुझे actually कल पहननी थी but मैंने उन्हें आउटफिट ऑप्शंस भी भेजे थे एंड शी रियली लाइक्ड बोथ द आउटफिट्स बट वी वेंट विद दिस। क्योंकि इसमें पैंट में रेड है एंड हर्षित सेठी इज वेयरिंग रेड एंड वाइट। हमें 6:45 पे निकल जाना चाहिए टू रीच द स्पॉट ऑन टाइम 7:30 बजे। हर्षित भागो। ऑल रेडी फॉर द शूट। ओके, शूट के बहाने We've come to a nice looking beach and वहाँ पे वो फोर्ट एरिया है। पर अब मुझे कन्फ्यूजन है कि वो हमारा शूट शायद फोर्ट पे करने वाली है and not on the beach. I want just beach pictures, that's it. तो yeah, देखते हैं। 2-3 फोर्ट्स हैं। ये सिंकरिम फूड। So I think यही लोअर अगवाड़ा है, इससे ज़्यादा लो कौन सा फूड होगा? ऐसा नहीं होगा ये चीज़। कॉफी पियोगे ₹300? हाँ मिलेगी कॉफी। नहीं ना बेयर मिलती। So finally we have the photographer with us. I linked their page as well. So we booked a 1-hour session and without giving way too much from the shoot, you should follow me on Instagram to see the actual pictures. They look bomb. They are so cute. I love them. मेरा पूरा मेकअप उतर चुका है। कैसा रहा तुम्हारा पहला शूट? I forced him to do a shoot with me. Nice. Honestly बताओ, ऐसे कैमरा के लिए don't. Was it awkward for you? Initially हाँ, थोड़ा awkward था. If you are wondering if your partner would be comfortable doing this, मैं बस कुछ tips and hints. कर दो बस. सोचो मत ज़्यादा. हाँ initially. वो सब guide कर देंगे. हाँ, the thing is उनके पास पूरे poses ready रहते हैं. उनके पास पोजेस रेडी रहते हैं, like हम इतने पोजेस कभी नहीं कर पाते। She knew what she wants and she was very open to us trying things। Like मैंने 1-2 पोजेस करवाने थे, and वो पिक्चर सबसे अच्छे हैं। Like I love दो, जो तुम मुझे स्विंग कर रहे थे, वो बहुत क्यूट आई है। I तो love। Last day here. मैं क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। उसमें वाइन है। Hello, welcome back. आज हमारा last day है in North Goa. Like we've checked out from our hotel and बस South Goa जाने में 2.5 घंटे लगेंगे. इसलिए हम थोड़ी पेट पूजा करने थलासा आए हुए हैं. Harshit wanted to see कि थलासा इतना popular क्यों है, vibe क्या है यहाँ की. समझ में आ गया? By the way यहाँ पे Ulala restaurant bar by Larissa पास में ही है. But we thought हमें थलासा आना चाहिए. लेकिन लारिसा देखी हाँ एंड लारिसा मुंबई में है ऑल्सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर आवर स्टे लाइक जो कॉटेज हमने बुक किया दैट इज रियली रियली गुड सो अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम हर्षित जरा तुमने नॉर्थ गोवा का अंजुना वाला साइड देखा है पार्टी साइड तुमने कैलंगूट और बागा भी देख लिया है मैंने टीटो सेन भी दिखाई है उससे विच नॉर्थ गोवा वुड यू प्रेफर नहीं नहीं आई वुड प्रेफर स्टेइंग एट अंजुना अंजुना बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड भी नहीं है हाँ एंड एट द सेम टाइम सब कुछ अवेलेबल भी है सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है हाँ और बेटर पार्टी प्लेसेस हैं यहाँ पे बीच के शैक्स भी अंजुना पे बेटर है नॉर्थ गोवा इज ओवरऑल रियली गुड इट डिपेंड्स ऑन आप किस मूड से आ रहे हो मुझे ऐसा कि लग रहा है तुम्हें साउथ गोवा बोरिंग लग जाएगा बट नहीं आई वुड प्रेफर साउथ गोवा आई गेस पर जाके ही पता चलेगा गुड Harshit with his true love, which is Greek food. अच्छा है? It's okay. Not that disappointing. मेरे Greek food के standard बहुत high हैं। और मेरे उतने ही low हैं क्योंकि मैंने आज तक अच्छा नहीं खाया। Decision सही था रुक के खाने का। अच्छा था। I didn't like what he ordered, but मेरा lasagna was really good and very heavy. तो हमने पैक करा लिया। बाहर में खाएंगे, मतलब South Goa में खाएंगे। भैया कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 3 घंटे। ये कहीं ATM कैश ही दूँगा इसलिए ATM आएगा।